हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सो आज हम अपना करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 10th, और इसका नाम ही फिज़िकल एजुकेशन है। इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने चैप्टर्स के बारे में, स्पेशली हम पढ़ेंगे फिज़िकल एजुकेशन के बारे में कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन रियल लाइफ। क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन विल लुक एज अ सब्जेक्ट, बट फिज़िकल एजुकेशन के डेप्थ में हम बात करेंगे कि फिज़िकल एजुकेशन होता क्या है। बेसिकली ये चैप्टर बहुत छोटा है, स्पेशली आई थिंक सो अराउंड 3 पेजेस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चैप्टर का जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको पहले भी सारे चैप्टर्स में कहा है कि सारे चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़ें, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, स्पेशली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के अंदर से पुट ऑन होते हैं। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस करना पड़े, जैसे आपको फिज़िक्स में, मैथ्स में अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, या फिर अलग अलग थ्योरम्स यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें इट्स वेरी सिंपल, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन समझोगे, तो आप क्वेश्चंस को बिना चैप्टर देखे भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट न्यू, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो हमारी एनसिस्टर्स थे, जो हमारे जो ग्रेट ग्रेट फिलोसफर्स थे, जैसे आपने एरिस्टोल का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, सो ये चीज़ तब से चली आ रही है। जैसे आपने सुना होगा कि स्टार्स के बारे में, जो सर्जरी के बारे में, ये एंशियंट इंडिया में काफ़ी पहले हो चुका था। सो ऐसे ही ये काफ़ी फिलोसफर थे जो काफ़ी पहले से ही ऐसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें अब धीरे धीरे चेंजिंग ट्रेंड में आ रही है। क्योंकि पहले एज सब्जेक्ट स्कूल में फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाया भी नहीं जाता था, बट धीरे धीरे लोग इसकी तरफ थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में। अब हमें पतला होना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटा है, हमें पतला होना है, तो अब दौड़ने भी हमें ही जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी हमें ही करनी पड़ेगी, तो हमारे बदले कोई और तो करेगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट न्यू। इन फैक्ट, फिज़िकल एजुकेशन हैज़ इट्स रूट इन एंशियंट पीरियड, ऑल्थो इट वॉज इन वेरियस फॉर्म्स इन पास्ट। इट्स मीनिंग वॉज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। द टर्म फिज़िकल एजुकेशन इज इन डीड कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड बेस। इट इंक्लूड्स मैनी फिनोमिना। इन द बिगनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वॉज यूज इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। एंशियंट टाइम में फिज़िकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट, एज अ, मैंने आपको जैसे बताया कि सब्जेक्ट के बेस में भी अब हम पढ़ रहे हैं, अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 years से आई थिंक सो देर वॉज नॉट एनी सब्जेक्ट नेम फिज़िकल एजुकेशन। था भी कुछ स्कूल्स में, बट उतना पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं था। जैसे अब मोस्टली साइड सब्जेक्ट्स, जैसे मैं ऑप्शन लेने होते हैं 12th में, 11th में, तो हर जगह अवेलेबल है। अब 9th, 10th में भी अवेलेबल है, इनसे छोटी क्लासेस में भी कुछ स्कूल्स में अवेलेबल है, बट हर जगह नहीं है। अभी धीरे धीरे आएगा टाइम जब हर जगह अवेलेबल होगा। सो हम पढ़ रहे थे कि जो पुरानी जो जनरेशन थी, जो एंशियंट पीरियड था, तो वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ एक्टिविटी देखा जाता था। सो जैसे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो फिज़िकल कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, फिज़िकल एक्टिविटी, वो बात गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही चीज़ है, वो फिज़िकल एक्टिविटी ही है। लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखा जाता था। सो जैसे अब धीरे धीरे आगे बात चल रही है, फिज़िकल एजुकेशन ने काफ़ी डेवलप कर लिया है, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बट द मेन स्ट्रेस ऑन फिज़िकल एजुकेशन वॉज लेड डाउन इन एंशियंट ग्रीस। फिलोसोफर लाइक सोक्रेट्स, एरिस्टोल एंड प्लेटो वर ऑफ द ओपिनियन दैट फिज़िकल ट्रेनिंग इज़ मस्ट फॉर यूथ। जैसे आप, ये आज से नहीं, ये यूथ नहीं है, हर किसी के लिए, अगर कोई एज्ड आदमी भी है, चाहे चाइल्ड भी है, छोटा बच्चा भी है, आई डोंट मीन दैट बिल्कुल ही ज़्यादा छोटा बच्चा, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी हर किसी को करनी चाहिए टू बी हेल्थी। सो बट यहाँ पे यूथ पे फोकस दिया गया है। तो इवन इन इंडिया फिज़िकल एक्टिविटीज़ वर द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इन एंशियंट टाइम्स। द मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन चेंज्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग वेरियस सिविलाइजेशंस। अब ये सिविलाइजेशन का चेंजेस तो ऐसा है कि हर चीज़ में चेंजेस आए हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में स्पेशली पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस, और इसके अलावा भी काफ़ी डायनेस्टीज़ भी आई हैं, जैसे गुप्ता डायनेस्टीज़ वगैरह। तो उनमें क्या है, जो उनके मतलब एज अ किंग्स तो होते थे, वो अपनी सिविलाइजेशन को जो भी मैनेज करते थे, वो उनमें चेंजेस लाते रहते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मींस अब ऐसा हर आज के टाइम पे अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, आप गवर्नमेंट का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो कंट्री की बड़ी बड़ी पार्टीज़ है, कांग्रेस, बीजेपी, तो जो भी नई पार्टी आती है, जो भी चेंजेस होती है गवर्नमेंट में, वो अपना ही नया शुरू करते हैं कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुछ बनवा रहा है, कोई कहीं पे ब्रिज बनवा रहा है, कोई कहीं पे कुछ करवा रहा है, सो टाइम टू टाइम वो अपने क्या करते हैं,
चीज़ें डेवलप करने की कोशिश में, लेकिन क्या रहता है वो अपने माइंडसेट से चलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हर सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ अलग हुआ, मतलब उनका जो लीडर रहा होगा उसने उन्हें सजेस्ट किया होगा कि अब ये करना है ये नहीं करना। ऐसे ही जैसे आजकल, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, तो हम आगे पढ़ेंगे। जनरली इट हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड, समवन वाज ऑफ द व्यू दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ व्हाटएवर फिजिकल एजुकेटर्स डू। समटाइम्स इट वॉज कन्फ्यूज विद फिजिकल ट्रेनिंग, प्ले गेम्स, फिजिकल कल्चर, हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ मोर देन दीज टर्म्स। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को ही फिजिकल एजुकेशन के तरीके से देखा जाता था एंशियंट टाइम में, जैसे गेम्स हो गए, खेल लो, ट्रेनिंग कर लो, फिजिकल ट्रेनिंग कर लो, कल्चर। लेकिन अब क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट आया है तो इसकी डेप्थ बढ़ गई है, आप इसमें पढ़ सकते हो आगे। आई मीन इसके ऊपर पहले जैसे आप बहुत चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली सम पीपल गो फॉर साइंस इन द 11th एंड 12th, बट देर इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, नॉट इवन इन साइंस, यू कैन गो फॉर द कॉमर्स, इवन द आर्ट साइड, द IAS, IPS, दीज ऑल मोस्टली हैव स्टडीड आर्ट्स इन द 11th एंड 12th, सो दैट दे कैन गेन नॉलेज फ्रॉम द स्कूल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, to understand the physical education of physical education clearly sorry to understand the meaning of physical education clearly, various physical educationists have defined physical education in different ways. A few these definitions are mentioned below. अब जैसे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाई फिजिकल एजुकेशन, तो फिर ये जो इतनी भी सेइंग्स हैं आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, जो आप अच्छे से याद कर पाओ। अब यहाँ पे जैसे ये कैसिडी है, डी ऑब्रेटफर है, RJB नैश हैं, JF विलियम्स हैं, CL ब्रोनेल हैं, CC कोवेल हैं, कोवेल ब्रोनेल, तो आप इनकी सेंग्स पढ़ सकते हो। जैसे फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये एक्सपीरियंस मैटर करता, एक्सपीरियंस है, जैसे जो भी इंडिविजुअली थ्रू मूवमेंट, जैसे मूवमेंट्स ये कहना चाह रहा है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये फिजिकल जो भी हम एजुकेशन जो गेन कर रहे हैं ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस के टर्म में अगर आपको समझाऊँ, कोई आदमी वर्कआउट कर रहा है पिछले 4 सालों से, तो अगर आप उसे आप उसके सामने कुछ भी वर्कआउट करोगे, आप पुशअप्स मारोगे, तो वो आपको राय दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। सो जो उसका ये एक्सपीरियंस है 4 साल का, यही फिजिकल एजुकेशन है, यहाँ पे इनका कहना ये है। अब हम अगली सेइंग की तरफ चलेंगे, कैसिडी की। अकॉर्डिंग टू कैसिडी, फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है मोटर एक्टिविटी के बारे में। अब जैसे RJB नैश ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फेस ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे ऐसा है, मैं आपको बताऊँ क्लियरली, तो हर किसी का माइंडसेट अलग है, जैसे हर किसी की आँखें दो ही हैं लेकिन हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है, तो वही है, जो आदमी जो समझ सकता है वो उन्होंने बताया है, लेकिन हमको एक ही चीज़ को नहीं पकड़ना, हमें सारी चीज़ें समझनी है, और इससे ही आप अपने, जैसे अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, तो इनकी सेइंग से ही आप अपने आंसर बना सकते हो। और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक की सेइंग अगर लिखोगे आप तो आंसर काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी एक की सेइंग रटो मत, आप सबकी सेइंग समझो और एक अपना अच्छा सा पैर में अपना आंसर दे दो, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं क्वेश्चन एक या दो ही नंबर का है, कई बार क्वेश्चन बड़े ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाता है, तो उन्हें गेन करना एक या दो लाइन के आंसर में आसान नहीं होता। सो वैसी और भी सेइंग्स हैं, आप ये पढ़ सकते हो, ये कोई इतनी टफ वर्ड्स भी यूज़ नहीं हुए हैं, आप समझ जाओगे खुद ही। यहाँ पे JF विलियम्स हैं, CC कोवेल हैं, CL ब्रोनेल हैं। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, इन द लाइट ऑफ अबव डेफिनेशंस इट कैन बी सेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। इट इज़ नॉट मेरली अ फिजिकल एक्टिविटी बट इज़ द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी, बॉडी के मदद से ही आप बॉडी के बारे में जानो। अमेरिकन रिसर्च स्टडी शो दैट द पर्संस हु वर एंगेज्ड इन वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन अचीव्ड हायर गोल्स इन देयर लाइव्स इन कंपैरिजन टू हु डिड नॉट इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। इन फैक्ट फिजिकल एजुकेशन एनेबल्स अ चाइल्ड टू हैव टोटल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। अब जैसे अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता है तो काफ़ी हमें इंजरीज भी होती हैं छोटी छोटी, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम उन चीज़ों से हम क्या कहते हैं रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे
प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे। और ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हम न्यूट्रिशन भी मैनेज करेंगे उस हिसाब से। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही मतलब अनटाइडी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो और आप चाहते हो बिल्कुल सिक्स पैक एब्स बॉडी बनाना, यहाँ पे बॉडी की बात नहीं करना चाहूँगा, मतलब ऐसे नहीं कहना चाहता कि बॉडी ही बनानी टू रिमेन फिट, तो फिर ऐसा नहीं है पॉसिबल, आपको सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो हम आगे बात, वैसे अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊँ तो ये जो मैंने आपको अभी आखिरी में बताया ये बहुत बेस्ट डेफिनेशन है, यहाँ पे इन्होंने ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ये जो यहाँ से कहा गया ना, इट कैन बी सेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज़ नॉट मेरली अ फिजिकल एक्टिविटी बट इट इज़ द एजुकेशन ऑफ बॉडी थ्रू द बॉडी। ये बिल्कुल बेस्ट लाइन लगी मुझे यहाँ पे, इसे आप अपने आंसर में ज़रूर यूज़ करना, यहाँ पे आपका टीचर भी खुश हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी अचीव्ड स्टेप बाई स्टेप, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैनी लीडिंग फिगर्स ऑफ द फील्ड एडवोकेट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे आपको ऊपर सेंग्स मिली, ऐसे यहाँ पे ये अलग अलग लोग हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पे ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, ये मतलब अगर आपको पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन में देखो। जैसे मैंने आपको कहा कि आँखें दो ही होती है लेकिन हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है देखने का, तो फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल सुना था, एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक जगह में भंडारा बट रहा था, जैसे गुरुद्वारा वगैरह में या कहीं पे भी, तो दो लोग जा रहे थे, ये मैंने कहीं वीडियो में सुना था, वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बना के बता रहा हूँ आपको, मैंने भी कहीं सुना है। तो दो दोस्त जा रहे थे, तो एक दोस्त ने बोला कि चल खाना खाते हैं, खाना फ्री में मिल रहा है, और दूसरे दोस्त ने बोला वो देख भीड़ कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक लड़के को दिख रहा है कि भूख लगी है लेकिन क्या है, फ्री में मिल रहा है, भूख लगी होगी और फ्री में भी मिल रहा है, लेकिन दूसरे लड़के को क्या दिखा कि यहाँ पे भीड़ बहुत है। तो हो सकता है पहले लड़के के लिए खाना ज़रूरी हो, उसे भूख लगी हो, लेकिन दूसरे लड़के के लिए टाइम ज़रूरी हो, क्योंकि जो टाइम वो वहाँ पे बर्बाद कर देगा अगर लाइन में, हो सकता है उसे कोई और ज़रूरी काम हो। तो वही है, हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऐसी डिफरेंट लोगों ने अपनी अपने बारे में बताया कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उनके हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन हारमोनियस डेवलपमेंट है ऑफ इंडिविजुअल कैन बी अचीव्ड बाय स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसी फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी भी स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हो। आप एक दिन में 100 पुशअप नहीं मार सकते, आप एक दिन में 100 चिनअप्स नहीं मार सकते, आप एक दिन में अगर जिम भी जाओ तो आप 50 kg का वेट एक दिन में बेंच प्रेस नहीं मार सकते। हो सकता है किसी पे स्ट्रेंथ हो अच्छी, कहीं ऐसा कोई कमेंट कर दे या बोल दे कि सर मैं तो कर लूँगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हर किसी की बॉडी अलग अलग है। लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ, जो अगर 95% लोग नहीं कर सकते, हो सकता है 5% कर दें वो, मतलब हो सकता है उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी लेके चल रहा हूँ, तो 95% लोगों के लिए ये मुश्किल है कि पहले दिन ही 100 पुशअप मार लो। तो फिर इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ की ग्रोथ ही स्टेप बाय स्टेप है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे एजुकेशन। तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। एच क्लार्क मेंशंस ओनली 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी और कल्चर। इनके हिसाब से इन 3 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है हमें फिजिकल एजुकेशन के लिए। यहाँ पे समझाने के लिए इतना कुछ है नहीं, ये आपको बस यही ऑब्जेक्टिव, वैसे रियली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर कि आ जाए। इनमें से वैसे ये आ सकते हैं बाद में आपके, जो ये लास्ट में लेस्ली है और ये हैथरिंगटन है, ये बुक वॉल्टर और ये एच क्लार्क का मुश्किल है, वैसे यही आ सकते हैं आपके पास क्योंकि पहले भी आए हैं क्वेश्चंस। तो क्लासिफाइज द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, रिमोट ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स इन कंट्रोल ऑफ हेल्थ कंडीशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जैसे एच क्लार्क हैं, ये बुक वॉल्टर हैं, ये हो सकता है ये पुराने हों, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये पुराने हों। तो देखो इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसके बाद क्या है, धीरे धीरे हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है। तो इसके बाद देखिए आप, इन्होंने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इन्होंने ज़्यादा रिसर्च करी होगी। जैसे एंशियंट टाइम पे बोला जाता था कि फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, फिज़िकल एजुकेशन हो गई, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर वही बात है कि हो सकता है इसके ऊपर आगे रिसर्च की गई हो। अब ये जैसे लेस्ली आए हैं, यहाँ पे इनका पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट और लास्ट है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर मेटा एनालिसिस ऑफ अबव मेंशनड ऑब्जेक्टिव्स, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट
फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे हम मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के जो हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। इन फैक्ट इट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड व्हेन वी परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ हमारी जो ग्रोथ है साइज शेप एफिशिएंसी। हैंस इट इज़ स्टेटेड दैट फिजिकल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा गया है। आपकी जो डेवलपमेंट है अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो जनरली बात है कि आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी होगी। दिस ऑल्सो प्रमोट्स साउंड हेल्थ विच एनेबल्स इंडिविजुअल टू बी अ वैल्यूबल एसेट ऑफ द नेशन। इन ऑल अवर सिस्टम्स रिमेन इन साउंड हेल्थ दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस इन एफिशिएंट वे। अब आगे बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। यहाँ पे फिजिकल में हमने बात करी, स्पेशली जिसमें आपका मेन पॉइंट है वो है ग्रोथ इन साइज शेप एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे मतलब एज अ फिजिकली आपको बताया गया है कि आपको डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरीके से हो सकता है। जैसे आपके सिस्टम्स रेस्पिरेटरी, नर्वस, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, इनके बारे में था। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में देखेंगे, दिस ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देयर आर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच हेल्प इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। दीज एक्टिविटीज़ आर एसोशिएटेड विद अ रिडक्शन ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस इन इंडिविजुअल्स विच हु टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इंडिविजुअल्स to cope with stress and tension in their lives. Physical education also contributes in motor learning, enhancing self-esteem and self-confidence, and reduction in anxiety and depression. जो हमारा anxiety and depression है, जैसे हम कुछ भी activity करें, हम खेलें, I personally recommend अगर आप करोगे तो आपका इतना ध्यान उन चीज़ों पर नहीं रहता, फिर ये depression वगैरह anxiety वगैरह अगर आप physical activity करो। सो सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, दिस ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट सोशल ट्रेड्स विच इज़ एसेंशियल बेटर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वेज टू डेवलप दीज क्वालिटीज़। जैसे अब आपको सोशल भी बताऊँ तो हम सोशली जो प्लेयर्स हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बहुत लोगों से मिलते हैं, कॉपरेशन वगैरह, जैसे फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस, एम्पैथी। अब ऐसा जब हम गेम खेलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आदमी जल्दी समझता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो जाहिर सी बात है अकेले तो खेलोगे नहीं, जब मैच होगा तो अपोनेंट भी रहेंगे, ठीक है। सो मे बी यू विल बी जेलस ऑफ एनी प्लेयर, कोई प्लेयर उस टीम में बहुत अच्छा खेलता हो, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको खेलना है साथ में, ये भी आपको खेलना ही पड़ेगा, तभी तो मैच चलेगा। सो ऐसा ही है, आपको वेरियस इमोशंस होते हैं वहाँ पे, जो हमारे वेरियस रोल प्लेज होते हैं कभी आप, लेकिन क्या है, अब ऐसा तो नहीं आप उससे लड़ने चले जाओगे अगर आपको पसंद नहीं, आपको गेम खेलना है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान देना है। सो टू से वहाँ पे हम हारते भी हैं तो दुख भी होता है, जीतते हैं तो खुशी भी होती है, हारते हैं लेकिन ये भी समझ आता है स्पोर्ट्स खेल के कि ज़रूरी नहीं हमेशा हारें, कोशिश नहीं करोगे तो हारोगे, है ना। अब ये मैं आपको कोई गूगल में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे कोट्स हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने इमोशंस पे भी, वहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है हमारा। देखो अगला टॉपिक वही है, द इमोशनल डेवलपमेंट, और जो ये सोशल डेवलपमेंट है ये भी वही है कि आप बहुत लोगों से मिलते हो, आपको बात करनी पड़ती है काफ़ी लोगों से, ज़रूरी नहीं आपका रोज सेम ही टीम से मुकाबला हो। सो आपका क्या है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है कि लोगों से कैसे मिलना है, ये समझ सकते हो आप। द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन। देखो मैंने आपको कहा ना, कभी प्लेजर, कभी खुशी होगी, होप, कभी आपको लगेगा या कोशिश मतलब सोचोगे होप, काश ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं होगा, हेट, जेलेसी, फियर, हारने का डर रहेगा, डिस्ट्रेस, एंगर, भी गुस्सा भी आएगा, वॉन्डर, लस्ट, लोनलीनेस एक्सेट्रा। इन एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर दीज इमोशन, ही शी बिकेम्स एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड। द इमोशंस आर वाइटल फॉर एवरी इंडिविजुअल बट एक्सेस ऑफ दीज इज़ ऑलवेज बैड। द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्प डेवलप दीज इमोशंस एंड टीच अस टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। बाय पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल स्टार्ट्स हैविंग कंट्रोल ओवर हीज एंड हर इमोशंस। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में आपके पास देखो 8 क्वेश्चंस हैं। अब वैसे क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कराए नहीं, जनरली बहुत कम ही मैं क्वेश्चंस कराता हूँ,
क्योंकि चैप्टर्स इतने ज़्यादा, मतलब आई मीन टू से फिज़िकल एजुकेशन पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही टफ हो और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही ईजी हो। सो वट डू यू मीन बाई फिज़िकल एजुकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो में आगे पीछे जाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे हम लैशली का, ये भी आपको मैं बता चुका था वहीं पर। और सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, ये देखो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट आ गया, दोनों ही डेवलपमेंट, और ये यहीं पे है देखो, ये सोशल डेवलपमेंट और ये इमोशनल डेवलपमेंट। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फुलफिल थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये रहा, बस इनमें ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको कुछ रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले भी मुझे काफ़ी बच्चे वहाँ मैसेज करके क्वेश्चंस पूछते थे। सो अगर आपके पास कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप वहाँ फ्रीली पूछ सकते हो। वैसे आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वहीं आके पूछना है, आप यहाँ कमेंट कर दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। वो बस मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वहाँ आके अपना क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो आप वहाँ पे जाके। और अगर आप वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पुट ऑन करोगे तो हो सकता है वहाँ पे जितने लोग हैं, ज़रूरी नहीं मैंने ही बताना, हो सकता है कोई मुझसे भी बेटर आंसर दे सकता है अमंग स्टूडेंट्स ओनली। सो हो सकता है कोई मुझसे भी अच्छा आंसर आपको वहाँ पे बता दे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऐसे आपस में हेल्प करते रहते हैं, मैंने जनरली देखा है, और ये अच्छी बात भी है। सो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।